सुधी बस बच्चों, मैं तुम लोगों की विधु माँ। आज हम पांचवी कक्षा की हिंदी कक्षा में अगले विषय को जाने से पहले इस बीच हम लोगों की बहुत दूरियां आ रही है क्योंकि आप लोगों का वो इम्तिहान चल रहा था, इसलिए पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। आगे हम अभी से शुरू करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने आलोचना की थी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में मैंने तो ये कविता को समझा दिया था, इसकी थोड़ी सी अभ्यास को आलोचित कर देती हूँ। इसके बाद अगले विषय पर चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। जीवन में बहुत जरूरी चीज क्या है? मान लो जीवन में बहुत जरूरी चीज क्या है? बहुत जरूरी चीज यह है कि शिक्षा अगर नहीं है तो हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर अगर हम लिखित रूप में हो या फिर हमारे बातचीत के तौर तरीके हो या फिर किसी के साथ हमारे व्यवहार हो, जो भी हो, वो सब शिक्षा के दौरान ही परिमार्जित तथा संशोधित होता है। इसलिए हर मनुष्य को शिक्षा प्राप्ति करनी चाहिए और यह हमें हमारे जीवन में हर दिशा में सही ढंग से परिचालित करते हैं। शिक्षा बुद्धिहीन और अज्ञानी को क्या देता है? शिक्षा बुद्धिहीन और अज्ञानी को ज्ञान देता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से हमें बड़ों के साथ बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से हमें हमारे छोटों के साथ बातचीत करनी चाहिए, और हम बाहर निकलते हैं तो औरों के साथ किस तरह से मेल मिलाप करनी चाहिए। तो इसलिए शिक्षा बुद्धिहीन और अज्ञानी लोगों को ज्ञान प्रदान करती है। किस अमूल्य धन से जीवन सुधर जाता है? किस अमूल्य धन से? शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अमूल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं है, किसी के साथ हम इसे तुलना कर भी नहीं सकते क्योंकि इसकी बराबरी करने वाला कोई भी चीज आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं कि जो शिक्षा के साथ बराबरी कर सके। इसलिए शिक्षा अमूल्य धन से जीवन सुधर जाता है। शिक्षा किसका बोध और किसका ज्ञान कराती है? शिक्षा हमें कर्तव्य की बोध कराती है और अधिकारों का ज्ञान कराती है। शिक्षा हमें हमारे कर्तव्य क्या है, जीवन में मनुष्य का जीवन हमने प्राप्त किया है, इसलिए हमें क्या कर्तव्य हमारे लिए भगवान ने हमारे साथ जोड़ के भेजा है, या फिर हमारे साथ जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, उनके साथ हम रहने से हमारे जो कर्तव्य है हमारे परिवार के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जन्मभूमि के लिए जो सारे कर्तव्य है उनसे हमें परिचित कराती है शिक्षा, और हमारे अज्ञानों के जो अधिकारों को भी हमें परिचित कराती है। भारत देश कैसे महान बन सकता है? अगर हर एक व्यक्ति शिक्षा से अपने सोए हुए ज्ञानों को जगा सकता है और अपने सारे कर्तव्यों को निष्ठा से कर सकता है तो भारत देश महान बन सकता है। विलोम शब्द का मिलन कीजिए। विलोम शब्द प्रति शब्द को हमें पढ़ते ही बार मिलेगा। बुद्धिमान बुद्धिहीन, आवश्यक अनावश्यक, अज्ञानी ज्ञानी, शिक्षित अशिक्षित, जीवन मरण, सुधारना बिगड़ना, सच्चा झूठा। তাহলে এ ছিলা কোন প্রশ্নোত্তর আলোচনা মূল টেক্সট বুকে ভি তারপর আসেলা উপসর্গ বো শব্দ কো বে শব্দাংশ জো সবসে পহলে লাগাকার উনকে অর্থ কো বিশেষতা ইয়া পরিবর্তিত করকে উৎপত্তি করতা হে অথবা উনকে অর্থ কো পূর্ণতা পূর্ণিতা বদলতা হে উসকো উপসর্গ কহতে হে জেসে জ্ঞানী কা বিদ্বান গুণ লক্ষণ समय वक्त, अज्ञानी मूर्ख, अवगुण दोष या बुरा, कुसुम कुसमय। यह जो पाठ में था हमारा क्या कठिन शब्द ताले उपसर्ग कौन जहां अमर शब्द प्रथम अक्षर लगिकी आसे आउ शब्द को पूर्णता प्राप्त करे बा तार गोटे नूतन शब्द अर्थ परिप्रकाश करिबे चाहे बे ताको आमे कोन कहिताउ ना उपसर्ग। आज आमे जिबा कोन ना जो सप्तम विषय को जोटा के अच्छा हमरो कोणार्क सूर्य मंदिर ताले
पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर के विषय में बताया गया है। तो इस पाठ में हमें किस विषय में जानकारी दी जा रही है? हमारे पूर्वजों ने या फिर उड़ीसा के इतिहास में जो सबसे महान और सबसे उच्च स्तर का कार्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए गठित करके रखा है, उनमें से एक छोटा सा किस्सा है जो कि आप लोग पिछले कक्षा में या फिर आप मातृभाषा के विषय में हो या फिर कहीं नानी माँ से छोटे छोटे जो बोलते हैं कहानी सुनते हैं उनमें से सुनकर थोड़ी बहुत ज्ञान इसमें से प्राप्त किया होगा। अभी हम इस विषय में विस्तार रूप से जानेंगे। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में अवस्थित है। इसका निर्माण बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट पत्थरों से सन 1236 से लेकर 1264 में बनाई गई थी। गंगवंश के राजा नृसिंहदेव ने करवाया था। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यूनेस्को द्वारा सन 1984 में मंदिर की घोषणा किस तरह की गई थी? यह एक विश्व धरोहर है। इसको विश्व धरोहर की घोषित या फिर मान्यता प्रदान हुई थी कब? सन 1984 में। यह मंदिर कलिंग शैली से बना हुआ है। इसका आधार या फिर इसका आकार एक रथ के समान है। इसको पत्थर पर उत्कृष्ट नक्शाकारी करके बहुत ही सुंदर बनाया गया है। पूरे मंदिर को एक 12 जोड़ी चक्रों वाला 7 घोड़ों से खींचने वाला सूर्य देव की रथ जैसा बनाया गया है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्रों साल के 12 महीनों की संदेश देती है। प्रत्येक चक्र 8 औरों से बनी हुई जो कि दिन के 8 पहरों को दर्शाती है। मुख्य मंदिर में 3 मंडपों की बनाई गई है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत पर पत्थरों को भरवा कर उसकी सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवाया था ताकि मंदिर क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य की 3 प्रतिमाएं पाई जाती है, एक उदित सूर्य, एक मध्यान सूर्य और तीसरा सूर्य अस्त। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। ताले देखिबा कोणार्क विषय तुम्हें मैंने पूर्व क्लास रे तृतीय श्रेणी रे साहित्य बही रे पढ़ी थी जे कोणार्कर निर्माण रो इतिहास कौन काहीं की निर्माण कर तार निर्माण रे कौन कौन सब खर्च होती मंदिर सहित गोटे कहानी भी जड़ित अच्छी से विषय विस्तार भाव विषय द्वारा सूचित करणार्क की सूर्य मंदिर भारत की उड़ीसा राज्य की पुरी जिले की पुरी शहर में अवस्थित है। ताले कोणार्क मंदिर कौटी ना भारत ओडिशा राज्य पुरी जिलार पुरी शहर में अवस्थित। इसका निर्माण कार्य बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थरों से सन 1236 से लेकर 1264 सदी में गंगवंश के राजा नरसिंहदेव के द्वारा करवाया गया था। ताले यही मंदिर बलुआ पत्थर बालिया पत्थर आउ कोला ग्रेनाइट पत्थर द्वारा 1236 रु 1264 मसीहा मध्य गंगवंशर राजा नृसिंहदेवंकर द्वारा कड़ाईला प्रतिष्ठित होता। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध स्थलों में एक। ताले भारत प्रसिद्ध स्थान मानक मध्य कोणार्क मंदिर होची अन्यतम। यूनेस्को द्वारा सन 1984 में मंदिर को यूनेस्को हमारा यूनिक जो कौन कौन थी ना विश्व रे जो वर्ल्ड रे थाए कौन ना प्रत्येक जिनिस को जत विश्व स्तर रे गोटे मान्यता प्रदान करा दे सही थी। ए कोणार्क मंदिर को केबे मान्यता विश्व संपत्ति भाव रे केबे घोषणा करा गला ना 1984 मसिया रे विश्व संपत्ति भाव रे घोषणा करा गला। यह
यह मंदिर कलिंग शैली में बनाया गया। ताले कोडिंगर जो हमारो शैली अच्छी सही शैली माध्यम रे आपको यही कर जाय छी। इसका आकार एक रथ के समान है और आकार के परे ना रथ परिका मने हुई ताको देखिले तुम दूर जति ते सही मंदिर टिको देखिबो तुमको लागिबो जेंति सते जेंति गोटिए रथ छिड़ा गई छी। इसके पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्शाकारी की बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई। ताले ए पत्थर मानक ऊपर एते सुंदर नक्शा अंकन करा जाय छे जेंति कि जीवंत प्रतिमा परे मने होथि। पूरे मंदिर को यह एक 12 जोड़ी के चक्र मालों से खींचा। ताले ए पूरा मंदिर टी 12 टी चक्र माध्यम रे कोन अपनी रथ रे केतोटी चक्र थाय जेंति चक्र थाय तार रथ पर छेई भली 12 टा चक्र लागि के रहुछि। सात घोड़ों से खींचे जाने वाली ये सूर्य देव के रथ। ताले सातटा घोड़ा मध्ये अछि जे के कोन ना से रथ टी सूर्य देव पर रथ टी को टाणी रे परे मने होछि। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्रों को साल के 12 महीनों को दर्शाता है। ए 12 टी चक्र गोटिए वर्ष रो 12 मास रो समस्त स्तर को बुझिला बुढ़िया सूचना दउछि। प्रत्येक चक्र 8 अरु से मिलकर बनाए है। प्रत्येक चक्र रे केतटी अरु अछि ना 8 टी अरु अछि जे कि दिन के 8 पेरो को दर्शाती है। दिन रो 8 म अमन जो अष्टम प्रहर को से सूचाई थाय। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बनाई गई है। ताले मुख्य मंदिर टी केतटी मंडप द्वारा आच्छादित होई छी ना तीनोटी मंदिर द्वारा मंडप द्वारा आच्छादित है। इनमें से 2 मंडप उठ चुके हैं। ताले आ 2टी मंडप कोन होई छी नष्ट भ्रष्ट हो गई छी जे भांगी उठ जाई छी। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता से पहले ही रेत पर पत्थरों को भरवाकर उसकी सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया। ताले दीटा मंडप जोटा तीनोटी मंडप दुईटी मंडप कौन है जोटा कि पूर्ण अवसर अच्छे माने भंगार जो अवस्था रही है। तृतीय द्वार टी कौन है ना इंग्रेज माने कौन करते ना भारत वर्ष स्वाधीनता प्राप्त होगा पूर्व रेत रेत माने कौन बाली ने कौन कर मंदिर समस्त द्वार को एवं सी मंदिर कौन है ना समुद्र कूल बहुत दूर को पड़े कि आगे कौन है ना समुद्र पूरा कूल जो सब कौन कर समस्त द्वार मुहर बंद कर मंदिर टी पूरा संपूर्ण रूप बंद कर दे जहाद्वारा कि भविष्य में जमी मंदिर टी क्षतिग्रस्त न हो नष्ट न हो से ध्यान देने करते। इस मंदिर में सूर्य की 3 प्रतिमाएं पाई जाती है। मंदिर में सूर्य तीनोटी प्रतिमा देखने को मिले जोटा कि हम कौन ना उदित सूर्य मध्याह्न सूर्य और सूर्यास्त। ताले उदयमान सूर्य जो सूर्य उदय हमारे प्रथम किरण कौन पड़े ना जो उदित सूर्य अच्छा प्रतिमा से प्रथम सूर्य किरण आगे से पड़े। मध्यान सूर्य मध्यान सूर्य जो मध्यान सूर्य किरण पड़ा कथा से मध्यान सूर्य गोटे प्रतिमा रही है। अस्त सूर्य शेष प्रहर दिन शेष प्रहर जो सूर्य कौन हम धीरे धीरे पश्चिम आकाश में अस्त हूँ से गोटे प्रतिमा रही। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह है। ताले ए कोणार्क मंदिर पाखरे समस्त प्रकार शिल्प कलाकृति को संग्रह करिवार गोटे संग्रहालय रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ताले पुरातत्व प्रत्नतत्वविद माने जो माने कौन करछथि ना सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित। ताले ए मंदिर रो समस्त पुरातत्व को संग्रह करके संग्रहालय में रखा जाय छी। महान कवि श्री रवींद्रनाथ टैगोर ने इस विषय में लिखा है। ताले कौन है जी ना आमे जानिले सूर्य मंदिर टे जो 12टी चक्र जो रथ रो जो चक्र वाला से 12टी चक्र वाला ये रे कौन है जी रथ टी को बढ़ाला पर मने के बस सही मंदिर टी रे 12टी चक्र थिला पर मने के जे मिते हमर रथ माने कर थाय चक्र से करी। तबे 7टी घोड़ा आधार अछंती जे की ए रथ टी को टाणीला पर मने हमती। ताले मंदिर आधार एत सुंदर भाव में कलाकृति में पढ़ाई जहाँ कि तुमको देखने लगे सत्य जी मंदिर प्रत्येक जिन जीवंत अटे। आसा कौन ना आर तीनोटी मंडप रही तीनोटी मंडप रु दुईट मंडप प्रायतः भग्नावशार अच्छी आ गोटे मंडप जोटा कि सूर्य प्रतिमा से रही है। से इंग्रेज मैंने कौन करते भारत जो स्वाधीनता प्राप्त होगा पूर्व से कौन करते ना ये मंदिर समस्त द्वार को बाली द्वारा कौन करते आच्छादित करके पोती देते जहाद्वारा कि भविष्य में यही
मंदिर अंश विशेष भांगी ना प्रसिद्ध महान कवि रवींद्रनाथ ठाकुर कहते कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठता कोणार्क एमती गोटे मंदिर जो तार प्रत्येक कला कारीगरी कौन मनुष्य भाषा ठारे भी आहरी अधिक उत्कृष्ट अधिक जीवंत मत हुए लिखा कठिन शब्द लिखा आलोचना कठिन शब्द गुड़ा मिशि खाता आज।